नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, आइए आज हम सभी जानते हैं भूख बढ़ाने वाले आसान होममेड रेमेडीज के बारे में। अमाशय की खराब या पाचन तंत्र में गड़बड़ी उत्पन्न होने के कारण भूख लगनी कम हो जाती है। ऐसे में यदि कुछ दिनों तक इस बात पर ध्यान न दिया जाए तो भूख लगनी बिल्कुल ही बंद हो जाती है। इस रोग में रोगी को भोजन करने का मन ही नहीं करता है, चाहे कितना भी अच्छा एवं स्वादिष्ट भोजन क्यों न हो। इस तरह भूख न लगने को अरुचि या भूख न लगना कहते हैं। आइए जानते हैं इसके कारणों को। जब किसी व्यक्ति को कब्ज की शिकायत होती है और लंबे समय तक कब्ज बनी रहती है तो आंतों में जमा मल सूख जाता है, जिससे पाचन तंत्र में गड़बड़ी उत्पन्न होती है और पाचन तंत्र खराब होने से भूख लगनी बंद हो जाती है। ज़्यादा चिंता, डर, गुस्सा और घबराहट के कारण भी भूख समाप्त हो जाती है। कुछ समय तक ऐसी हालत बनी रहने पर भूख पूरी तरह से समाप्त हो जाती है और रोगी को भोजन की खुशबू से भी अरुचि होने लगती है। कभी कभी संक्रामक रोगों के चलते भूख नष्ट हो जाती है। जब किसी कारण से शरीर में खून की ज़्यादा कमी हो जाती है, यानी कि रक्तअल्पता एनीमिया रोग हो जाता है, तो रोगी की भूख समाप्त हो जाती है। रोगी को भोजन को देख करके ही घिन आने लगती है। चाहे कितना भी रोगी का पसंदीदा भोजन क्यों ना हो, उसका मन बिल्कुल भी खाने को नहीं करता है। यकृत यानी कि जिगर की खराबी उत्पन्न होने पर भी भूख नहीं लगती है। इसके लक्षणों को जान लेते हैं ताकि आप पहचान सकें। इस रोग में रोगी को भोजन अच्छा नहीं लगता है। रोगी को अगर जबरदस्ती खाने को कहा जाए तो उसे भोजन अरुचिकर लगता है। रोगी एक या दो ग्रास से ज़्यादा नहीं खा पाता है। उसे बिना कुछ खाए पिए खट्टी डकारें आने लगती हैं। कुछ भी काम करने और सीढ़ियां चढ़ने में रोगी को बहुत थकावट महसूस होती है। शरीर में कमजोरी महसूस होती है। रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया रोग की चिकित्सा में अगर ज़्यादा देर हो जाए तो रोगी मरने की हालत में भी पहुंच जाता है। भोजन और परहेज जान लीजिए। इसमें चोकर वाले आटे की रोटियां खानी चाहिए, पुराने चावल का भात खाना चाहिए, दूध, नींबू, अंगूर, आम, अनार, तरबूज इत्यादि फलों का रस पीते रहना चाहिए। पके हुए बेर, मूली, मौसमी, नींबू खाना भी बेहद लाभदायक होता है। पानी में तैरना, सुबह की सैर और व्यायाम करना भी काफ़ी अच्छा होता है। सड़ी गली और बासी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, गंदा पानी नहीं पीना चाहिए, गंदे स्थानों में रहना और गंदी और घृणा वाली चीज़ों से दूर रहना चाहिए, धूप और आग के पास अधिक नहीं रहना चाहिए, भोजन के बाद एक ही स्थिति में अधिक देर तक नहीं बैठना चाहिए। ज़्यादा डर एवं गुस्सा रोगी के लिए नुकसानदायक होता है। भूख बढ़ाने के अब आयुर्वेदिक घरेलू उपायों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला है नींबू का प्रयोग। एक लौंग का चूर्ण और 5 काली मिर्च का चूर्ण नींबू की शिकंजी में मिला करके दिन में 2 बार पीने से अरुचि खत्म होकर के भूख लगने लगती है और भोजन पचने की क्रिया भी तेज हो जाती है। नींबू को काटकर काला नमक का चूर्ण छिड़क कर चाटने से भूख न लगना ठीक होता है। नींबू का रस पीने से पेट की गर्मी कम होती है और पाचन क्रिया तेज होती है। नींबू के 1 चम्मच रस में थोड़ी काली मिर्च एवं सेंधा नमक का चूर्ण मिलाकर के भोजन से पहले गर्म करके पीने से भूख खुल करके लगती है। नींबू को काटकर इसमें सेंधा नमक डालकर के भोजन करने से पहले चूसने से कब्ज दूर होकर के पाचन क्रिया तेज होती है। इसके अलावा पीपल, 5 ग्राम पीपल, 15 ग्राम टाटरी, 3 ग्राम हींग, 3 ग्राम भुना हुआ सफ़ेद जीरा और 50 ग्राम मिश्री को एक साथ पीस करके चूर्ण बना करके रख लीजिए। यह चूर्ण 3-3 ग्राम की मात्रा में दिन में 3 से 4 बार चाटने से अरुचि दूर होती है और भूख भी खुल करके लगती है। पीपल के पके फलों के सेवन करने से कफ, पित्त, रक्त दोष, विष दोष, जलन, उल्टी तथा अरुचि दूर होकर के भूख बढ़ती है। इसके अलावा संतरे का प्रयोग करें। 100 मिलीलीटर संतरे के रस में थोड़ा सा सेंधा नमक और 5 काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर के खाने से अरुचि खत्म होती है और भूख लगने लगती है। जामुन, फालसा और संतरा खाने से भी भूख लगने लगती है। संतरा खाने से अरुचि रोग ठीक होता है और भूख तेज होती है। खजूर, खजूर को नींबू के रस के साथ पीस करके चटनी की तरह चाट कर खाने से अरुचि रोग ठीक होता है। अमलतास, 10 ग्राम अमलतास और 5 ग्राम अजवाइन को लगभग 400 मिलीलीटर पानी में मिला करके काढ़ा बनाएं। इस काढ़े को सुबह शाम पीने से अरुचि रोग खत्म हो जाता है और भूख खुल करके लगती है। इसके अलावा असगंध, 15 ग्राम ताजे असगंध का रस निकालकर इसमें 30 ग्राम खांड मिलाकर के पकाकर सेवन करें। इसके सेवन से अरुचि रोग समाप्त होती है और कब्ज दूर होती है। आंवला, मुनक्का और आंवला 10-10 ग्राम को एक साथ पीस करके मुंह में रखकर चूसने से भूख लगने लगती है। नागर मोथा, दालचीनी और आंवला को बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण बना लें। यह चूर्ण 3-3 ग्राम की मात्रा में दिन में 2 से 3 बार मुंह में रख करके चूसने से अरुचि समाप्त होती है। हरे आंवले का रस प्रतिदिन पीने से पाचन
क्रिया तेज होती है और भूख लगने लगती है। प्रतिदिन सुबह खाली पेट आंवला के 5 से 6 ग्राम पत्ते को सेंक कर खूब चबा चबा करके खाने से भूख खुल करके लगती है। अनार 5 ग्राम शहद, 25 मिलीलीटर अनार का रस और 3 ग्राम काला नमक मिला करके पीने से अरुचि दूर होती है। अनार के दाने को चबा करके खाने से अरुचि नष्ट होती है। काली मिर्च 1/2 चम्मच, सेंका हुआ जीरा 1 चम्मच, सेंकी हुई हींग, चने की दाल के बराबर सेंधा नमक स्वाद के अनुसार और अनारदाना 70 ग्राम, इन सभी को पीस करके चूर्ण बना करके सेवन करने से अरुचि नष्ट होती है तथा मन प्रसन्न रहता है। काला नमक चाटने से पेट में जमा गैस निकल जाती है और कब्ज दूर होकर के भूख बढ़ती है। चुकंदर प्रतिदिन भोजन करने से 30 से 40 मिनट पहले चुकंदर, गाजर, टमाटर, पालक और हरी साग सब्जियों का फलीदार सब्जियों का रस निकाल करके पीने से भूख खुल करके लगती है और भोजन पचने की प्रक्रिया तेज होती है। गेहूं के चोकर में सेंधा नमक और अजवाइन मिला करके रोटी बना करके खाने से भूख तेज होती है। नए उगे हुए गेहूं के छोटे छोटे पौधों की कोमल पत्तियों को इकट्ठा करके पीसकर रस निकालने, यह रस प्रतिदिन सुबह पीने से हमेशा रहने वाला अरुचि दूर होता है। सेव, एक सेव प्रतिदिन खाने और सेव का रस पीने से खून साफ होता है और भूख तेज होती है। 1 गिलास खट्टे सेव के रस में स्वाद के अनुसार मिश्री मिला करके कुछ दिनों तक प्रतिदिन पीने से भूख लगने लगती है। आटा गूंथते समय आटे में खट्टे सेव का रस मिला करके रोटी बना करके भी आप खा सकते हैं। लाल मिर्च को नींबू के रस में पीस करके लगभग आधे ग्राम की छोटी छोटी गोलियाँ बनाकर रख लें। इस एक एक गोली प्रतिदिन आपको लेना है ये गोलियाँ और 40 दिनों तक लेते रहना है, भूख खुल करके लगने लगेगी अगर आप ऐसा करते हैं तो। टमाटर की चटनी को चाटने या पके हुए टमाटर की फांकों पर काली मिर्च का चूर्ण डाल करके खाने से अरुचि समाप्त होती है। 1 कप टमाटर और गाजर के रस में 1 चम्मच अदरक का रस मिला करके दिन में 2 बार पीने से भूख खुल करके लगती है और यकृत यानी कि जिगर ठीक होता है। जीरा 1/2 से 2 ग्राम सफेद जीरे को गुड़ के साथ सुबह शाम खिलाने से बुखार वाली हालत में भी पाचन क्रिया ठीक होकर के भूख लगने लगती है। इस चूर्ण को खाने से पेट की जलन दूर होती है, पेशाब खुल करके आती है और बुखार भी ठीक हो जाता है। 1 गिलास गर्म पानी में 3 ग्राम जीरा, हींग, पुदीना, काली मिर्च और नमक डाल करके पीने से अरुचि दूर होती है। पटुआ 10 ग्राम पटुआ के पत्तों के रस में काली मिर्च एवं मिश्री मिला करके खाने से कब्ज दूर होती है और भूख खुल करके लगती है। सौंठ 12 ग्राम सौंठ और काली मिर्च, पीपल एवं अकरकरा, 50 ग्राम अनारदाना और 50 ग्राम सेंधा नमक को एक साथ मिला करके चूर्ण बना लें। यह चूर्ण 5-5 ग्राम दिन में 2 से 3 बार खाने से अरुचि दूर होती है और भूख बढ़ जाती है। सौंठ और कायफल का काढ़ा बना करके प्रतिदिन पीने से भी अरुचि दूर हो जाती है। लता कस्तूरी 2 से 4 ग्राम लता कस्तूरी के बीज का चूर्ण सुबह शाम खाने से अरुचि समाप्त होती है। अगर 1/2 से 1.5 ग्राम अगर को शहद के साथ सुबह शाम खाने से अरुचि रोग समाप्त होकर के भूख तेज होती है। इसके अलावा गुग्गुल 1/2 से 1 ग्राम तक गुग्गुल को घी के साथ सुबह शाम खाने से भूख बढ़ती है और पाचन क्रिया तेज होती है। आक 1 ग्राम के चौथाई भाग से 0.5 ग्राम तक आक यानी कि मदार के फूल में काला नमक या सेंधा नमक मिला करके सुबह शाम सेवन करने से अरुचि रोग की समाप्ति हो जाती है और आपको भूख लगने लग जाती है। इसके अलावा सलाई अरुचि में सलाई का फूल और फलों का काढ़ा बना करके 20 से 40 ग्राम सुबह शाम पीने से भूख लगने लगती है। इसके अलावा कुचला 1/4 ग्राम से 0.5 ग्राम शोधित कुचला का चूर्ण सुबह शाम खाने से भूख बढ़ती है। मौसमी अरुचि में मौसमी का रस सेवन करने से काफ़ी लाभ मिलता है। इमली 1 से 3 ग्राम इमली के बीजों की मिंगी सुबह शाम घोंट करके पीने से पाचन शक्ति तेज होती है। पकी हुई तथा अधिक गूदे वाली इमली को ठंडे पानी में डाल करके चीनी मिला करके इसमें इलायची के दाने, लौंग, कपूर और काली मिर्च डाल करके बार बार कुल्ला करने से अरुचि एवं पीत का रोग दूर होता है। 1 गिलास पानी में इमली को मसल कर इसमें से पानी छान करके स्वाद के अनुसार नमक एवं काली मिर्च डालकर पीने से भूख बढ़ती है। 10 से 15 बूंद अप्सतीन का तेल सुबह शाम रोगी को देने से भोजन पचाने की जगह में तेजी आती है, जिससे भूख आपकर को खुल करके लगने लग जाती है भूख और आपको लाभ होता है। कपूर 3 से 4 ग्राम कपूर के चूर्ण को किसी खाने की चीज में मिला करके या पानी के साथ सेवन करने से अरुचि रोग ठीक होकर के पाचन शक्ति तेज होती है। मूली भोजन करने के साथ मूली पर नमक एवं काली मिर्च डाल करके लगातार 2 महीने तक खाने से अरुचि रोग ठीक होता है। ताजे मूली के पत्ते समेत काट
करके इसमें अदरक के छोटे छोटे टुकड़े और नींबू का रस तथा सेंधा नमक मिला करके भोजन से पहले और भोजन के साथ खाने से अरुचि की शिकायत दूर होती है। चीनी, खाने पीने की इच्छा न होने पर एक कप पानी में स्वाद के अनुसार चीनी, इमली तथा बारीक पीसी हुई चौथाई चम्मच काली मिर्च मिला करके दिन में 4 बार पीने से भोजन करने का मन करने लगता है। अदरक, 500 ग्राम अदरक पीस करके इसमें बहुत सारा नींबू का रस, काली मिर्च, सेंधा नमक डालकर खूब अच्छी तरह मिला लें और लगभग 24 घंटे तक रहने दें। इसके बाद इसे साफ कपड़े पर फैला करके धूप में अच्छी तरह से सुखा लें। सूख जाने के बाद एक टुकड़ा मुंह में रख करके चूसने से भूख खुलकर लगती है और हाजमा अच्छा होता है। 10 से 20 मिलीलीटर अदरक के रस को पकाकर सुबह शाम ताजे पानी के साथ सेवन करने से भूख बढ़ती है। प्रतिदिन भोजन करने से पहले अदरक को काट करके सेंधा नमक लगा करके खाने से भूख बढ़ती है और रुचि समाप्त होती है और साथ ही स्वर भंग का रोग भी ठीक हो जाता है। अंगूर, प्रतिदिन अंगूर खाने से पाचन क्रिया तेज होती है और भूख बढ़ती है। धनिया, छोटी इलायची और काली मिर्च बराबर मात्रा में मिलाकर और पीसकर इसमें चौथाई चम्मच घी और चीनी मिलाकर के सेवन करने से अरुचि दूर होती है और भूख लगने लगती है। हरे धनिया का 3 मिलीलीटर रस प्रतिदिन पीने से भूख खुल करके लगती है। धनिया, सोंठ, सेंधा नमक और काला जीरा को मिलाकर के चूर्ण बना लें और यह 2-3 ग्राम दिन में 4 बार सेवन करें। यह पाचन प्रक्रिया को तेज करके भूख बढ़ाती है। पुदीना का रस शहद के साथ खाने या पुदीने की चटनी खाने से अरुचि रोग दूर होता है। पुदीना, हरा धनिया, काली मिर्च की चटनी बना करके इसमें नींबू का रस मिला करके खाने से अरुचि दूर होती है और पाचन शक्ति बढ़ती है। बेर, पके हुए बेर खाने से अरुचि खत्म होकर के भूख लगने लगती है। अजवाइन में स्वाद के अनुसार काला नमक मिला करके गर्म पानी के साथ खाने या घोल बना करके पीने से अरुचि दूर हो जाती है। इसके अलावा अजवाइन और नींबू का रस बराबर मात्रा में मिलाकर छाया में सुखा लें। सूखने के बाद इसमें मूली का रस डाल करके दोबारा सुखाएं। अब इसमें थोड़ा सा काला नमक मिला करके 1 ग्राम के चौथाई मात्रा में सेवन करें। इससे भूख खुल करके आती है और खट्टी डकारें, पेट का दर्द और बदहजमी के साथ साथ अपच भी समाप्त हो जाती है। 1-3 ग्राम जंगली अजवाइन के चूर्ण खाने से भूख तेज लगने लगती है और आफरे का रोग भी दूर हो जाता है। इसके अलावा कमरख, 20-30 मिलीलीटर कमरख का रस लेकर के इसमें थोड़ी चीनी और थोड़ा पानी मिला करके शरबत बना करके सुबह शाम पीने से भूख खुल करके लगती है। बर्फ, गर्मी के कारण जब भूख न लगे या कम भूख लगे तो खाना खाने से 1 घंटा पहले बर्फ का पानी पीने से भूख खुल करके लगती है। अमरूद, खाना खाने के बाद 250 ग्राम अमरूद प्रतिदिन खाने से भूख तेज लगने लगती है। करेला, चौलाई, करेला और मेथी की सब्जी बना करके खाने से पाचन प्रक्रिया तेज होती है, यानी कि पाचन क्रिया मजबूत हो जाती है। मोठ की दाल खाने से अरुचि दूर होती है और भूख खुल करके लगती है। मेथी, यदि भूख न लगती हो तो 7 ग्राम मेथी दाना में थोड़ा सा घी डाल करके सेकें और जब मेथी लाल हो जाए तो उतार कर पीस लें। यह चूर्ण 5 ग्राम लेकर के शहद में मिला करके लगभग 45 दिनों तक सेवन करने से भूख खुल करके लगने लगती है। प्रतिदिन मेथी से छौंकी कई दाल या साग सब्जी खाने से भूख बढ़ती है, मुंह का स्वाद ठीक होता है और भोजन के प्रति रुचि बढ़ती है। गन्ने के रस को आग या धूप में हल्का गर्म करके शीशी या चीनी मिट्टी के बर्तन में भर कर रख लें। इस रस का 7 दिनों के बाद सेवन करने से अरुचि नष्ट होती है और भोजन पचने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। सोडा, भूख न लगती हो तो 1 चम्मच खाने का सोडा गर्म पानी में मिला करके पिए, इससे भूख लगने लगेगी। लहसुन, हरा धनिया, अदरक, सफेद द्राक्ष, चीनी और सेंधा नमक की चटनी बना करके खाने से अरुचि दूर होती है और खाना भी जल्दी पचता है। नीम के पेड़ के 8-10 कोमल पत्ते को घी में भून करके खाने से अरुचि दूर होती है। लौंग, 0.5 ग्राम लौंग का चूर्ण 1 ग्राम शहद के साथ प्रतिदिन सुबह चाटने से थोड़े ही दिनों में अरुचि दूर हो जाती है और भूख लगने लगती है। नारियल 160 ग्राम लेकर के उसमें 40 ग्राम घी डालकर अच्छी तरह से सेकें, फिर इसमें 160 ग्राम चीनी और 1 लीटर नारियल का पानी डालकर गुड़ के पाक जैसा बना लें। फिर इसमें धनिया, पीपर यानी कि पीपल, नागरमोथा, बांसपुर, जीरा, काला जीरा, दालचीनी, तमाल पत्ता, इलायची और नाग केसर का 5-5 ग्राम चूर्ण डालकर पाक बना करके रख लें। इसका सेवन प्रतिदिन करने से अम्लपित्त यानी कि अरुचि, भूख का कम लगना इत्यादि रोग दूर होता है। नागरमोथा, 10-10 ग्राम नागरमोथा और पित्त पापड़ा को मिला करके काढ़ा बनाकर भोजन करने से 1 घंटे पहले पीने से ज्वर के कारण भूख न लगना ठीक होता है। बबूल की कोमल फलियों के अचार में सेंधा नमक मिलाकर खिलाने से रुचि बढ़ती है तथा पाचन क्रिया बढ़ती है।
तालिस पत्र, लगभग 3 ग्राम मिश्री और 3 ग्राम तालिस पत्र का चूर्ण दिन में 2 बार सेवन करने से अरुचि, काश, श्वास, स्वर भंग इत्यादि रोगों में लाभ मिलता है। तेजपात, तेज पत्ते का रायता सुबह शाम सेवन करने से अरुचि यानी कि भूख का न लगना दूर हो जाता है। तेजपात यानी कि तेज पत्ते का रायता सुबह शाम सेवन करने से अरुचि यानी कि भूख न लगना रोग दूर हो जाता है। त्रिफला, त्रिफला दाड़िम एवं राजदन मिला करके सेवन करने से भूख खुल करके लगने लगती है। इसके अलावा गाजर, गाजर में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है जो पाचन संस्थान को शक्तिशाली बनाता है। भोजन न पचना, पेट में गैस होना इत्यादि में गाजर का जूस पीना लाभकारी होता है। इससे आंतों की गैस, ऐंठन, सूजन, घाव, जलोदर इत्यादि रोग दूर होकर के मल साफ हो जाता है, जिसकी बदौलत आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं रह जाती है, आप स्वस्थ हो जाते हैं यानी कि आपका स्वास्थ्य सही रहता है इसकी बदौलत। तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।